हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का हमारा एमएससी का टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटेक्शन कर सकते हैं डिफरेंट प्रोटेक्टिंग रिएजेंट की हेल्प से, जिसके बाद में हमें डिफरेंट प्रोटेक्टिंग ग्रुप देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में हम ये भी देखेंगे कि हम उसका डी प्रोटेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं, कौन सी कंडीशन अप्लाई करके। तो आज के वीडियो के अंदर हम इन सभी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम आते हैं आज के हमारे टॉपिक पर, जो कि है प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। आपको कार्बोनिल ग्रुप के अंदर दो तरीके के फंक्शन ग्रुप देखने को मिलेंगे, एक है एल्डिहाइड और दूसरा है कीटोन। तो इन दोनों को ही हम अलग अलग प्रोटेक्टिंग रिएजेंट से प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हम बात करें एल्डिहाइड की, तो उसके लिए हम लेंगे एल्कोहल। अगर हमें कीटोन को प्रोटेक्ट करना, या तो हम वहां पर लेंगे 1,2-डाइथायोल या फिर हम लेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये दोनों रिएजेंट यूज करेंगे जब हमें कीटोन का प्रोटेक्शन करना होगा। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट प्रोटेक्टिंग ग्रुप आता है वो है 1,3-डाइथायोल। 1,3-डाइथायोल रिएजेंट को भी हम यूज करके कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, जिसके बाद में आपको इनके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोटेक्टिंग ग्रुप देखने को मिलेंगे, जो कि है एसिटल, कीटल और 1,3-डाइथाइल। तो ये सभी प्रोटेक्टिंग ग्रुप आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आप एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करके इनका डी प्रोटेक्शन भी करवा सकते हो। अब हम इन सभी को एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से ये सभी वर्क करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं हम एल्कोहल के साथ। यहाँ पर हम एल्कोहल के 2 मोल्स लेंगे, जिनकी रिएक्शन हम करवाएंगे एल्डिहाइड के साथ में। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, जिसके बाद में इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है, ये जाकर अटैच हो जाते हैं और इस तरीके का एसिटिल का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये किस तरीके से प्रोसेस होती है, तो ये प्रोसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि जो हमने एल्डिहाइड और एल्कोहल के रिएक्शन के बाद में एसिटिल का फॉर्मेशन किया है, तो उसके अंदर किस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन और डिसोसिएशन हुआ है, वो आपको इस प्रोसेस से पता लगेगा। तो यहाँ पर हमने एल्डिहाइड लिया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि ये जो ऑक्सीजन है, ये अपनी तरफ बॉन्ड शिफ्ट कर लेता है, तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद में हमने देखा था कि इस कार्बन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो ऑक्सीजन है, ये अपने लोन पेयर यहाँ पर डोनेट कर देता है। तो आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। तो ये जो ROH ग्रुप है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर से इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा, यहाँ से ये प्रोटोन डोनेट होगा और इसके जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, वो इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे और हमें यहाँ पर हेमी एसिटिल देखने को मिलते हैं। अब इस हेमी एसिटिल का जब हम प्रोटोनेशन करवाते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जिसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिसके बाद में ये जो ROH है, ये फिर से रिएक्ट करेगा इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के साथ में और हमें यहाँ पर एसिटल देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम हमारे फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं प्रोटेक्टिंग रिएजेंट की हेल्प से। तो यहाँ पर हमने देखा, जब हमने एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाई प्रोटेक्टिंग रिएजेंट के साथ में, जो कि हमने यहाँ पर लिए थे 2 मोल एल्कोहल के, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है एसिटल एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप। वहीं अगर हम बात करते हैं कीटोन की, तो हमें वहाँ पर कीटल देखने को मिलता है। तो हम उसकी भी प्रोसेस देख लेते हैं कि किस तरीके से हम कीटोन का प्रोटेक्शन करते हैं और वहाँ पर प्रोटेक्टिंग ग्रुप बनता है कीटल। तो ये है हमारा कार्बोनिल ग्रुप के प्रोटेक्शन का सेकंड एग्जांपल, जिसके अंदर हमने यहाँ पर लिया है कीटोन और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं 2 मोल एल्कोहल के साथ में, जिसके बाद में आपको कीटल देखने को मिलेगा एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप। तो इस प्रोसेस के अंदर कौन सा मैकेनिज्म यूज किया जा रहा है, तो वो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ दिखाई देगा। तो यहाँ पर भी सेम वो ही प्रोसेस फॉलो होगी जो कि हमने एल्डिहाइड के अंदर देखी थी। तो आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार इस प्रोसेस को अच्छे से देखना। इसके बाद में अगला जो हमारा एग्जाम्पल है, उसके अंदर हम लेते हैं कीटोन और इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं 1,3-डायोल के साथ में, जिसके बाद में आपको कीटल देखने को मिलता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसके अंदर भी हमने कीटोन लिया है, जिसकी हम रिएक्शन करवाते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ में। जब हम इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ में इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो हमें यहाँ पर कीटल देखने को मिलता है, जो कि हमारा प्रोटेक्टिंग ग्रुप है। और ये कीटल किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस मैकेनिज्म के अंदर आपको बीच के अंदर हेमी कीटल भी देखने को मिलता है, जिसके बाद में आगे रिएक्शन प्रोसीड होते हुए कीटल का फॉर्मेशन करती है। तो इन सभी एग्जाम्पल के अंदर अभी हमने देखा था कि किस तरीके से हम कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसके डी प्रोटेक्शन की, तो इसके डी प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से हम इन पर्टिकुलर फंक्शन ग्रुप का डी प्रोटेक्शन करवा सकते हैं। तो अभी हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे, जिसके अंदर हमने एल्डिहाइड और कीटोन को ट्रीट किया था एल्कोहल के साथ में, जिसके बाद में उनका प्रोटेक्शन हो जाता है और वो हमें देते हैं एसिटल और कीटल। तो आपको यहाँ तक तो पता लग गया होगा कि किस तरीके से मैकेनिज्म फॉलो हुआ है। लेकिन अगर हमें एसिटल से वापस से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना हो, यानी कि इस पर्टिकुलर प्रोटेक्टिंग ग्रुप का डी प्रोटेक्शन करवाना हो, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करने के बाद में हमें यहाँ पर एल्डिहाइड देखने को मिल जाता है।
इसके बाद में जो हमारा सेकंड एग्जांपल है उसके अंदर भी हमने क्या किया है, उसके अंदर हमने लिया है कीटोन, जिसका हमने 2 मोल अल्कोहल के साथ में प्रोटेक्शन करवाया है, और उसके बाद में हमें हमारा जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है वो देखने को मिलता है कीटल। अब इस कीटल का हम करवाएंगे डी प्रोटेक्शन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस के साथ में, तो हमें यहाँ पर वापस से कीटोन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। इसी तरीके से हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल के अंदर हमने डी प्रोटेक्शन किया है 1,3-डाइथाइन का। 1,3-डाइथाइन का डी प्रोटेक्शन करने के लिए हमने यहाँ पर एसिडिक मीडियम के साथ में यहाँ पर लिया है HgCl2, जिसकी हम रिएक्शन करवाएंगे, और उसके बाद में हमें हमारा जो एल्डिहाइड है वो फिर से जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये सभी मैकेनिज्म और एग्जाम्पल थे जिनके हेल्प से हमने समझा कि किस तरीके से हम कार्बोनिल कंपाउंड का प्रोटेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन इसी के साथ में यहाँ पर आपको एक छोटा सा नोट दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कार्बोनिल ग्रुप का जो सिलेक्टिव प्रोटेक्शन है उसे हम किस तरीके से करवा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको पता है जो कीटोन होता है वो लेस रिएक्टिव होता है एल्डिहाइड, यानी कि आपको एल्डिहाइड यहाँ पर ज्यादा रिएक्टिव देखने को मिलेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ। तो अगर आप ऐसा कंपाउंड ले रहे हैं जिसके अंदर आपको एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप दोनों देखने को मिलते हैं, तो आपको सबसे पहले एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट करवाना होगा, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ। इसके बाद में हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है वो बोलता है कि अगर आपके पास 2 एल्डिहाइड और 2 कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होगा उसे हमें पहले प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो लेस स्टेरिक हिंडर्ड होगा वो सबसे पहले जाकर रिएक्शन करना चाहेगा। और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें उस पर्टिकुलर जो मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है उसे प्रोटेक्ट करना है, या फिर हम बोल सकते हैं उसकी जो रिएक्टिविटी है उसे रिड्यूस करना है। इसके बाद में हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है वो बोलता है कि अगर 2 कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है जिसके अंदर से एक कॉन्जुगेटेड है और दूसरा अनकॉन्जुगेटेड, तो हमें जो अनकॉन्जुगेटेड है उसे पहले प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो अनकॉन्जुगेटेड होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो आपको यहाँ पर ये वाला कंपाउंड देखने को मिल रहा है जिसके अंदर आपको कार्बोनिल ग्रुप देखने को मिल रहे हैं, जिसके अंदर ये वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कॉन्जुगेटेड है और ये वाला नॉन कॉन्जुगेटेड या फिर अनकॉन्जुगेटेड आप बोल सकते हो। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में, तो हमें यहाँ पर रिडक्शन देखने को मिलता है, और रिडक्शन के बाद में हमें कुछ इस तरीके का कंपाउंड चाहिए होगा जो कि हमारा डिजायर्ड कंपाउंड है। यानी कि जो हमें यहाँ पर रिएक्शन करवानी वो इस लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप पर करवानी है, ना कि इस मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप पर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर इस ग्रुप को प्रोटेक्ट कर देंगे, और इस ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे प्रोटेक्टिंग रिएजेंट का, जो कि हम यहाँ पर लेते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। तो जब इस पर्टिकुलर कंपाउंड की रिएक्शन हम करवाते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ में, तो ये रिएक्ट कर लेता है नॉन कॉन्जुगेटेड कीटोन के साथ में, और ये जो नॉन कॉन्जुगेटेड ग्रुप है जब इसका प्रोटेक्शन हो जाता है, तो अब हमारे पास जो रिएक्शन करने के लिए ग्रुप अवेलेबल होगा वो होगा ये लेस रिएक्टिव ग्रुप। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा रिएजेंट डालेंगे जो कि है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये जाकर इस पर अटैक करेगा और इसका रिडक्शन कर लेगा। इसका रिडक्शन करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा। तो इस कंपाउंड के अंदर आप देख पा रहे हो कि हमारी जो रिएक्शन प्रोसीड हुई है वो इस लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप पर हुई है, जबकि जो मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है वो अभी भी प्रोटेक्टेड है। तो अभी हमें हमारा ये डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल गया है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस प्रोटेक्टिंग ग्रुप का डी प्रोटेक्शन कर देंगे, और यहाँ पर इसका डी प्रोटेक्शन करने के लिए यूज करें एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। और इस एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद में आपको इस तरीके का हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट था वो देखने को मिलता है। इस डिजायर्ड प्रोडक्ट के अंदर आप देखोगे कि जो हमारा मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है उसकी प्रेजेंस होते हुए भी हमने जो लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप के ऊपर हमारी जो रिएक्शन है वो प्रोसीड करवा दी है, क्योंकि हमने यहाँ पर यूज किया था प्रोटेक्टिंग रिएजेंट का। तो इस तरीके से हम प्रोटेक्ट करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड को। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटेक्शन, और यहाँ पर हमने डिस्कस किए डिफरेंट तरीके के रिएजेंट और उसके एग्जांपल्स भी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।